तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का दोस्तों दीपक इकोनॉमिक्स के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में। डेली इकोनॉमी न्यूज को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आज है डेट कितना, 30 जून। जून मई का लास्ट डेट है आज दोस्तों। आप सब लोगों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा आज तो। आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कोई ऐसी खास न्यूज़ तो नहीं है जो इकोनॉमी की ऐसी कोई न्यूज़ हो जिसको हमको यहाँ डिस्कस करना जरूरी हो या एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो। लेकिन एक पुरानी न्यूज़ थी, बेसिकली न्यूज़ तो लास्ट वीक की थी लेकिन अभी भी वो न्यूज़ चल रही है। वो है बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इसके बीच कुछ डिस्प्यूट हो रहा है एक कोई स्कीम को लेकर, जो फ्री में चावल वगैरह बांटते हैं ना, राइस वगैरह। तो ये राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को लेकर कुछ डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। आप न्यूज देख सकते हो, एक्सप्लेन्ड व्हाट इज कर्नाटका वर्सेज सेंटर, कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद है ओवर फ्री राइस स्कीम। कुछ फ्री राइस स्कीम चलाना चाहते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, तो सेंटर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ऑब्जेक्शन किया या क्या किया इसको हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, हम इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करते हैं हमेशा, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं क्या इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सही है। या हम इन देखेंगे कांग्रेस के सपोर्टर कर्नाटका गवर्नमेंट को सही मानेंगे, बीजेपी के सपोर्टर भारत सरकार को सही मानेंगे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि रियलिटी क्या है। हम हमेशा जो हमारा टॉपिक रहता है उसको प्रयास करते हैं कि भाई आपको हमेशा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से बनकर ऊपर उठकर जो एक्चुअल में इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या वो सही है क्या वो गलत है इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अन्न भाग्य योजना है कर्नाटका गवर्नमेंट की, उस पर कुछ फ्री में देना जा रहे हैं चावल वगैरह। क्या मैटर है एक बार मैं बताता हूँ। देखो एक बार पहले मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखो आप सबको पता है भारत सरकार क्या करती है। भारत सरकार की तरफ से कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो नाम सुना होगा आपने संस्था का, FCI का। हर साल कांटे लगाती है और गेहूं चावल खरीदती है। तो भारत सरकार क्या करती है, हर साल MSP घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सबको पता होगा गेहूं और चावल का, और भी कई सारे फसलों का करता है, मोटा मोटी सब जो परचेज है वो इसी के करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। वीट और राइस को खरीदती है हर साल खरीदती है, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से और भी कई राज्यों से खरीदती है हर साल। अब इसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में हर साल स्टॉक होता है। तो इसका ये करता क्या है भाई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AGI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, इसने हर साल क्या करती है MSP पर गेहूँ चावल खरीद लेती है और अपने गोदाम में भर लेती है। तो इस गोदाम का क्या करती है, तो इसका सबसे पहला ये काम करती है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, आप सब लोग जानते होंगे खाद्य सुरक्षा कानून बना हुआ है देश में 2013 वाला। इसमें क्या होता है एक बार मैं डिटेल में बताऊं। देखो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आप सबने गांव में देखा होगा ना लोगों को सस्ते दाम पर गेहूं चावल बांटते गवर्नमेंट, तो ये वही उसी का टेक्निकल नाम है NFSA 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013। इस एक्ट के क्या कहता है कि हर व्यक्ति को हर माह प्रति माह 5 किलोग्राम क्या दिए जाएंगे, गेहूं या तो वीट दिया जाएगा या राइस या मोटा अनाज कोर्स ग्रेन। ये तीनों में से कोई भी एक चीज जो उसकी सुविधा अनुसार जो खाने के, ये साउथ इंडिया में राइस लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में वीट लेते हैं, कई कई एरिया में कुछ लोग मोटा अनाज से ज्वार बाजरा भी खाते हैं। तो ये क्या कि ये स्कीम कहती है NFSA कि हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं चावल या मोटा अनाज सस्ते दाम पर, कितने पर, 3 रुपये पर KG। तो क्या चावल, आप सबको पता है चावल गेहूं से महंगा होता है तो इसलिए यहाँ पे रेट चल रहा है, तो 3 रुपये पर KG, वीट 2 रुपये पर KG और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपये पर KG दिया जाएगा। ये NFSA है हर गांव। तो ये NFSA कानून है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत ये सुविधा दी जा रही है। सब ले रहे हैं गाँव में, हर लोग ले रहे हैं लगभग देश का कितना, ये अर्बन एरिया में तो लगभग 50% जनसंख्या को दी जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसको 75% पॉपुलेशन इसके अंडर में कवर है। पूरे इंडिया में दोनों को मिला के 67% जनसंख्या को सस्ते दाम पर गेहूं चावल और क्या क्या जा रहा, मोटा अनाज दिया जा रहा है। तो अब इस NFSA में ये जो सस्ता दिया जा रहा है कहाँ से आएगा, तो ये यहीं से आता है। तो मैंने बताया था ना आपको कि जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूँ खरीद लिए, तो अब गेहूँ को क्या करेंगे, यहाँ से उसको 20 रुपये किलो खरीदे और यहाँ पर NFSA के तहत क्या करेंगे, गरीब परिवारों को 5 KG पर पर्सन
पर मंथ सस्ते दाम पर दे देंगे। तो एक तो काम ये होगा कि गेहूं चावल का जो स्टॉक बना है उससे क्या किया, एनएफएस को चलाया। दूसरा होता है बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। देखो गेहूं चावल ये क्या होती है, ये ऐसी चीजें होती है जिनका कोई भरोसा नहीं होता है। कई बार मानसून खराब हो जाता है, सही से बारिश नहीं हुई तो क्या फसलें खराब हो जाती, तो प्रोडक्शन नहीं कम हो जाता है। तो इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं गवर्नमेंट, भारत सरकार इमरजेंसी के लिए क्या करती है, स्टॉक बना के रखती है ताकि कभी इमरजेंसी की सिचुएशन में गेहूं चावल का कमी ना हो और उसको सप्लाई की जा सके। तीसरा, अब इसके सपोज को दो काम भी कर लिया, गवर्नमेंट ने गेहूं चावल खरीद के एनएफएस में बांट दिया और बफर स्टॉक में रख लिया। तीसरा, फिर मानो सपोज इसके बाद भी बच रहा है गेहूं चावल, तो उसका क्या करता है, तो भारत सरकार की या मैं कहूँ एफसीआई की एक स्कीम होती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस स्कीम में क्या करते हैं, सपोज करो इसने क्या किया, साल भर में 100 किलो खरीदे थे, 50 किलो क्या किया, एनएफएसए में डिस्ट्रीब्यूट कर दे गरीबों को। इसके बाद कुछ बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया, सपोज करो 30 केजी का, तो अब बचा 20 केजी। इस 20 केजी का ये क्या करेगी, तो ये 20 केजी को दोस्तों कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम चलाती है ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस स्कीम के तहत जो है ना एफसीआई क्या करती है, गेहूं चावल को एक फिक्स रेट पर सेल करती है। फिक्स रेट पर क्या करती है, बाजार में बेच देती है। जैसे कि है ना क्या कहते हैं, जो बल्क जैसे ट्रेडर है, जैसे कोई मान लो बड़ी कंपनी जो ब्रेड बनाती है तो वो खरीद सकती है, कई सारे बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं चावल को तो वो एक्सपोर्टर खरीद सकते हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है। तो ये क्या करती है, फिक्स रेट पर क्या करती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारत सरकार फिक्स रेट पर गेहूं चावल को सेल करती है बाजार में, जिससे क्या होता है, इससे बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। इस ओपन मार्केट सेल स्कीम का एक और इम्पोर्टेंस है, सपोज करो अगर गेहूं की कीमतें बढ़ गई, वीट के प्राइस बाजार में बढ़ गई, आम आदमी को महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं गवर्नमेंट, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम कर देती है, जिससे क्या होता है बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी कीमतें बताओ कम हो जाएगी। अभी आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट में क्या हुआ था, मई महीने की बात है, मई और जून के फर्स्ट वीक की गेहूं की प्राइसेज अपना बढ़ गई थी काफी ज्यादा, लगभग 2300-2400 रुपए पर क्विंटल पहुंच गया था 2200 से इससे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ओपन मार्केट सेल स्कीम किया, इसके तहत क्या किया, कम दाम पर आम जनता को या फिर बड़े थोक व्यापारी को या स्टेट गवर्नमेंट को सेल कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये होती है ओपन मार्केट सेल स्कीम, आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो यही मैं बता रहा था ओपन मार्केट सेल स्कीम वर्सेज ये अन्नभागी स्कीम की बात है। अब इसी की बात पर मैं आगे बात करूंगा, एक होती स्कीम अन्नभाग्य स्कीम, ये बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में एबीएस कह रहे हैं। बेसिकली भी आपको पता है लेटेस्ट में क्या हुआ था, कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था, सबको पता कर्नाटक इलेक्शन में हर पार्टी अपना अपना प्रॉमिस करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया था, अपने पोल प्रॉमिस करते हैं ना वादा, चुनावी वादा, इसमें किया था कि हम भाई जो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, एनएफएसए के तहत 5 केजी मिल रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है, चावल मिल रहा है। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, कर्नाटक वहां पे लोग गेहूं ज्यादा खाते भी नहीं, वहां तो राइस का इस्तेमाल होता है, तो 5 किलोग्राम राइस तो पर पर्सन पर माह मिल ही रहा है। हम इसके अलावा 5 किलोग्राम इसको 5 किलोग्राम पर मंथ पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ये इन्होंने चुनावी वादा किया था। इसका क्या मतलब हुआ, देखो भाई वर्तमान में 5 रुपए किलो तो जो 2 रुपए किलो में 3 रुपए किलो में मिल ही रहा है, इसके अलावा हम जो 5 किलो एक्स्ट्रा चावल फ्री में देंगे, ये इन्होंने चुनावी वादा किया था। अब चुनावी वादा था, आप जानते हो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, जीत गए तो अभी वादा पूरा करना पड़ेगा, तो इसी वादा को पूरा करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अन्न भाग्य स्कीम करके लाई, ठीक है। तो ये अन्न भाग्य स्कीम में क्या किया जाना था, एनएफएसए का 5 केजी पर पर्सन, ठीक है, ये तो था। इसके अलावा 5 केजी एडिशनल, 5 केजी पर पर्सन पर मंथ फ्री राइस दिए जाएंगे, तो टोटल कितना मिलेगा इसको, 10 केजी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक बार बताओ, जो ये 5 केजी था एनएफएसए का, ये तो भारत सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रही थी अब तक, ठीक है। लेकिन अब अगर कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम 5 किलो एक्स्ट्रा देंगे फ्री में देंगे, तो ये वाला चावल कहाँ से आएगा, ये चावल आएगा कहाँ से मार्केट में, भाई इसी को लेकर डिबेट है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट कह रही है
कि भाई भारत सरकार दे हमको, तो कौन दे? एफसीआई दो, कैसे दो? एफसीआई क्या करो, ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है उसकी, जिसके तहत ये बाजार में सेल करती है, इस स्कीम के तहत हमको क्या किया जाए, वीडो अवेलेबल कराया जाए। हम यहाँ से क्या करेंगे, भारत सरकार से ये गेहूँ खरीद लेंगे, या ये जो वीट नहीं सॉरी राइस की बात हो रही है, राइस खरीद लेंगे। लेकिन एफसीआई का कहना है कि हमारे पास है ना सरप्लस है ही नहीं। क्या नहीं है हमारे पास सरप्लस राइस है ही नहीं, हमने जो थे वो एनीबेस में बांट दिए, स्टॉक बना लिया कुछ पहले है ना, ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेच दिया, वर्तमान टाइम में हमारे पास सरप्लस राइस नहीं है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का ही कहना है कि जो भारत सरकार है एफसीआई बदमाशी कर रही है, जानबूझ के हमको चावल उपलब्ध नहीं करा रही ताकि हम यहाँ पर फ्री में बांट सके। तो भारत सरकार का कहना है, एफसीआई का कहना है बेसिकली कि भाई आपने हमसे पूछ के कौन सी स्कीम लाई थी, हमसे थोड़े पूछा, हमसे पूछते हैं तो पहले बता दें 6 महीने पहले, ताकि हम ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं। आपने तो आपने अकॉर्डिंग स्कीम लेके आए हो, तो जिम्मेदारी भी बनती किसकी? भाई ये जो अन्न भाग्य स्कीम है जिसमें 5 किलो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। भाई तुमने अपने हिसाब से घोषणा कर दी, तुमने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लेन देन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चला रही है, एनएपीएस चला रही है, इसकी सप्लाई हमारी गारंटी है, हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये डिस्प्यूट है, कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये हमको जानबूझ की बदमाशी कर रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले हमको जानबूझ के जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उसके तहत चावल अवेलेबल नहीं करा रहे। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट पैसा देगी भारत सरकार को, मैंने बताया ना एफसीआई जो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम होती है ये फ्री में नहीं बेचती, ये पैसे में बेचती है, लगभग जो मार्केट राइट होती है ना उससे थोड़ा बहुत कम में बेचती है, उतना कम बेचती है। तो अगर कर्नाटक गवर्नमेंट खरीदेगी इसमें तब भी ये इसको क्या करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन पर एफसीआई ने मनाही कर दिया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो गेहूँ चावल ही नहीं है, हम कहाँ से आपको दे। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी जानबूझ के भारत सरकार ही कर रही है ताकि हम अपनी स्कीम को लॉन्च नहीं कर पाए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या, इसका सोल्यूशन जो इन्होंने निकाला वो ये है कि ठीक है अभी हम टेम्प्रेरी क्या करेंगे, टेम्प्रेरी कैश ट्रांसफर कर देंगे। भाई हमने क्या वादा किया था, 5 किलोग्राम फ्री राइस का वादा कर रहे थे, ठीक है, पर महीना एक व्यक्ति को। तो 5 किलोग्राम की हम मोटा मोटी माने 34 रुपये पर केजी राइस की प्राइस मान रहे, तो ये बनता है 170 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति के खाते में 170 रुपये पर माह ट्रांसफर कर देंगे। तो वो एक ही बात है, फिर ये भी ठीक है भाई, जब ये क्या कसम खाएंगे चावल दे, चावल बजाय आप कैसे भी दे सकते हो, ये आदमी को जो जरूरत होगी वो खरीद लेगा। तो फिर टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में कर्नाटक गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी कैश ट्रांसफर कर रही है। अब आगे उन्होंने क्या कहना है, भाई आगे अगर हमारे पास जो राइस का अरेंजमेंट हो जाएगा कहीं से भी मार्केट से या कहीं गवर्नमेंट देगी तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से करेंगे, जहाँ से भी होगी तब हम क्या करेंगे, फिर राइस डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए हम कैश ट्रांसफर करेंगे, डीबीटी करेंगे। डीबीटी समझते हो ना आप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा खाते में पैसा जमा को क्या कहते हैं, डीबीटी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा मुद्दा यहीं समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।